देहरादून में परेड ग्राउंड के पास जो धरना स्थल है वो यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है, और इसका जो यहाँ पे बेरोजगार संगठन है और तमाम संगठन जो यहाँ पे धरना देते हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं यहाँ पे लगातार। आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है और हमले तो अधिकारी पुलिस बल का प्रयोग करके यहाँ से इन्हें हटाने की कार्रवाई अभी शुरू हो सकती है। उसके मैं आपको लाइव विजुअल दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप, काफ़ी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है। बेरोजगारों की यहाँ पे मांग है कि धरना स्थल यहाँ से शिफ्ट न किया जाए, क्योंकि यहाँ से शासन प्रशासन को अपनी बात सुनाना उनके लिए आसान होता है, और अधोई वाला जो इलाका है वो काफ़ी दूर है, और वहाँ अगर कोई धरना प्रदर्शन हो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इस तरह से नहीं होगा, लिहाजा यहाँ पे उन्हें रहने दिया जाए। कृपया करके यहाँ पर बैठ जाए सभी लोग, चाय मिलेगी यही मिलेगी यार, बैठ जाइए सभी लोग, आगे वाले भाई लोग से जरा हेलमेट चाहिए, सभी शिक्षित युवा है आपसे रिक्वेस्ट है कृपया करके बैठ जाएंगे सभी लोग। रोजगार संगठन के जाते नहीं है जितने भी कोई भी यानी रोड पे या कोई भी बाहर रोड पे या किसी रास्ते में बीच में खड़े हैं, कृपया बेरोजगार सब लगाए पानी में डाल देंगे, और सरकार ने खोद के दिया तो हम लगाएंगे ना उसको। अरे अरे तुझे कह रहे हो पहले उतार ले, अरे पहले उतार ले ना, उतार ले उतार ले उतार ले उतार ले उतार ले, अरे संदीप संदीप उतार ले तो बैनर उतार ले, अरे उतार दो ना बैनर, ठीक है बैनर उतार ले, हमने यहाँ टेंट लगा रखा है कोई मजाक नहीं, हमारे ऊपर चढ़ के बैरियर लगा दी, छज्जा बैरियर लगा दी, कुर्सी में चढ़ जाओ, कुर्सी में चढ़ जाओ, कुर्सी दे उसे लग के आ जाओ, वो देखिए जो स्थिति सरकार ने खोद के बनाई है तो शायद मुझे लगता है जिस तरह से खोदा गया ये फिर तो ये लगता नहीं है कि इस पर कोई कष्ट से काम मतलब कोई मंजिल बन रही होगी, क्योंकि मंजिल में खुदाई होती है, एक शिलान्यास होता है उस चीज़ का, जिस तरह सरकार ने खोद के हमें दिया है तो उसमें मुझे लगता है कि ये सरकार ने खेती करने के लिए दिया, क्योंकि सरकार खेती को भी ज़्यादा ध्यान में रखते हुए काम कर रही है, हम बेरोजगार लोग हैं तो बेरोजगार लोग बहुत बैठे हुए यहाँ पे, और हम लोग धरने पे इसलिए बैठे हमें कुछ मानदेय बढ़ाए जाए तो हम मानदेय तो है नहीं हम लोगों के, तो हमने कहा क्योंकि यहाँ पे प्याज लगा दिया है और हमारी सरकार को ये बोला है कि अगर ये प्याज होता है तो इसमें आधा शेयर आपका भी होगा और आधा शेयर हम लोगों का होगा, इसलिए हमने प्याज लगाया है, हम चाहते हैं सरकार भी इसकी देखभाल करे और इस प्याज के माध्यम से जो भी फायदा होगा वो सरकार को भी होगा तो हमको। जा रहा है पूरे देख सकते हैं आप यहाँ पर।
है जो परसों रात को, जो रात को 1:30 बजे जिस तरह से धरना स्थल को उखाड़ फेंका है, उससे ये बात सिद्ध होती है कि इनकी मंशा साफ साफ जो है गरीबों की आवाज़ दबाने के लिए है। ये धरना स्थल यहाँ से इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि बगल में जो है भाजपा का कार्यालय है और आए दिन प्रदेश के 13 जिलों से यहाँ पे पीड़ित लोग आते हैं, अपना धरना देने के लिए आते हैं, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आते हैं, अपने जो है रोजगार के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने के लिए आते हैं। लेकिन दमनकारी नीति वाली सरकार अब ये नहीं चाहती, क्योंकि बगल में ही भाजपा कार्यालय है, तो ये नहीं चाहते कि यहाँ पे इनको आए दिन जो है इस तरह से इनके खिलाफ हम नारेबाजी करते हैं, धरना पे जो बैठे हैं नारेबाजी करते हैं, तो वो ये नहीं चाहते कि ये लोग इस तरह से यहाँ पे नारेबाजी करें, इस तरह से जो है धरना दें। तो इसीलिए इस धरने को जो है यहाँ से जंगलों में भेज दिया जा रहा है, रायपुर के जंगलों में यहाँ से जो है 5-6 किलोमीटर की दूरी पर इस धरने स्थल को शिफ्ट किया जा रहा है। और मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ पे 20 सूत्रीय मांगों को लेकर यहाँ पे जो है पिछले 105 दिन से यहाँ पे धरने में बैठे हैं। यहाँ पे जो है बेरोजगार संघ के साथी जो है पिछले 14 दिन आज उनका 14 दिन धरने पे हो गया है। आपने देखा होगा कि परसों भी जो है क्या बोलते हैं ये बॉबी पवार और पीसी पंत इनके जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, इनको बताओ ये कितनी बड़ी विडंबना है प्रदेश के अंदर कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है, फॉरेस्ट गार्ड में इतना बड़ी धांधलेबाजी होती है, पेपर लीक होता है, और उसके खिलाफ जब ये बेचारे आवाज़ उठा रहे हैं कि इस भर्ती को आप, वो ये नहीं कह रहे कि आप हमें रोजगार दीजिए, आप हमें नौकरी पर रखिए, वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भैया ये भर्तियां निरस्त हो, तो क्या गलत कर रहे हैं। तो ये बहुत विडंबना है इस प्रदेश में कि इस तरह से जो है दमनकारी नीति वाली सरकार आज धरनास्थल पे जो है तुली हुई है, धरनास्थल को यहाँ से हटाने के लिए वो आर पार की लड़ाई हमसे लड़ रही है। यहाँ पे पूरा जो है पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात हो चुकी है, पीसी पुलिस फोर्स पूरी यहाँ पे तैनात हो चुकी है, और कुछ ही दिन में ऐसा सुनने में आ रहा है, हमें जो है खबरें मिली है ऐसे जो है LI द्वारा कि यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे जो है बुलडोजर वगैरह और तमाम इस तरह की मशीनों से ये पूरा ये धरनास्थल को तहस तहस कर देंगे। हमारे टेंटों को तोड़ने का इनका वो है उद्देश्य है, यहाँ से टेंट ही उखाड़ फेंकना चाहते हैं। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो है बराबर टक्कर इनसे लेंगे, आर पार की जंग आज हम यहाँ पे इस धरनास्थल पे इनके से कार्य करेंगे, क्योंकि ये हमारा धरनास्थल है और पिछले कई सालों से जब ये सरकार द्वारा चिन्हित किया गया धरनास्थल है, तो आज ऐसा क्यों किया जा रहा है कि आज इनको जो है धरनास्थल शिफ्ट करने की क्या जरूरत थी, पहले बिना किसी लेटर के, बिना किसी उसके लिए सूचना दिए बिना ये इस तरह से हमारा धरनास्थल यहाँ से हटा रहे हैं, तो ये इससे बड़ी विडंबना और क्या सकती। लेकिन फिर भी हम अपने जो है डटे हुए हैं, हमने शासन प्रशासन को ये कह दिया है कि आप हम पर मुकदमे ठोक दीजिए, आप हमें जेल भेज दीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से जाने वाले नहीं हैं, या तो जाएगी तो हमारी लाशें जाएगी, हम आंदोलनकारी हैं और अपना आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक यहाँ पे यहाँ यातायात का दबाव काफ़ी अधिक है, और यातायात के दबाव को देखते हुए और सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए ये दो रीजन्स थे इसको यहाँ से शिफ्ट करने के। क्योंकि अब हमारे देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम भी तेज़ी से चल रहा है, तो आने वाले टाइम में यातायात पर काफ़ी बर्डन रहेगा, तो ये पूरा एरिया स्मार्ट सिटी के अंडर आ गया है, तो इसलिए यहाँ से स्थल शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया है। और यहाँ से स्थल शिफ्ट करके अधोईवाला में एक नया स्थल चिन्हित किया गया है। लोगों का एप्रीहेंशन ये है कि वहाँ पर सुविधा नहीं होंगी, पर हमने आदेश निकालने से पहले ये सुनिश्चित कर लिया था कि वहाँ पर भी प्रॉपर सुविधा हो, वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटीज़ है टॉयलेट बिजली पानी ये तीनों सुनिश्चित कर दी गई है, और ये सुनिश्चित करने के बाद ही हमने वहाँ पर ऑर्डर निकाला है। और ये पब्लिक इंटरेस्ट में ज़्यादा रहेगा कि धरनास्थल के लिए सपोर्ट करें वहाँ पर जाने के लिए, क्योंकि धरनास्थल पर लोग बाग परमानेंट बैठने के लिए नहीं आते हैं, 2 दिन में 3 दिन में उनकी समस्या का समाधान होना ही है, फिर वो भी जनरल पब्लिक बन जाते हैं, फिर कोई और व्यक्ति आएगा, तो उनसे भी यही अपील रहेगी कि वो सपोर्ट करें नए धरनास्थल पर जाने के लिए, ताकि पूरे सिटी के इंटरेस्ट में ये जो निर्णय लिया गया है पूरे सिटी को लाभ मिले, क्योंकि वो जो लोग बैठे हैं धरने पर वो भी सिटी के ही सिटीजन हैं, हमारे देहरादून के ही बेनिफिट के लिए वो लोग भी हैं, तो उनसे यही अपील रहेगी कि शांतिपूर्वक अपना धरना जो भी प्रदर्शन। देखिए धरना स्थल अधोई वाला ट्रांसफर हो चुका, सुन लीजिए मैडम, मैडम बात सुन लीजिए, मैडम 2 मिनट बात सुन लीजिए, मैडम बात सुन लीजिए बात, ये आपका धरना स्थल अधोई वाला ट्रांसफर हो चुका है, शिफ्ट हो चुका है,
जिसका नोटिफिकेशन 27 फरवरी को हो चुका है। अब इसमें नगर निगम ने अपना निर्माण कार्य करना है, तो कृपया करके आप लोग ये स्थान खाली कर दीजिए। इस पर अवैध रूप से काम इनमें हुई है। नगर निगम